देश हित में सबसे पहले बात करते हैं देश के लिए। आज ऐतिहासिक दिन रहा और भारत की नौसेना के लिए भी। आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए यादगार रहा क्योंकि आज नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिला। वहीं आज ही पहली बार भारतीय नौसेना का नया ध्वज भी फहराया गया। हम आपको समझाते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए कैसे ये दो कदम गेम चेंजर साबित होंगे। INS विक्रांत के कमिशनिंग से भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई। INS विक्रांत देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से भारत की बड़ी छलांग है। INS विक्रांत देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले आपको याद होगा INS विक्रमादित्य देश की सुरक्षा के काम में लगा हुआ है। विक्रांत की एंट्री के बाद भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। भारतीय नौसेना को आज नया ध्वज मिला, यानी आज भारतीय नौसेना ने गुलामी के निशान को भी पूरी तरह मिटा दिया। प्रधानमंत्री ने आज INS विक्रांत के इंडक्शन के दौरान कहा कि नौसेना को आधुनिक करने के लिए बजट बढ़ाया गया है। यह साबित करता है कि देश की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। देश के सबसे ताकतवर नेवल शिप के इंडक्शन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को जिस तरह परिभाषित किया वो इसकी शक्ति, शौर्य और समंदर में इसके प्रभाव को समझाने के लिए काफी है। INS विक्रांत के इंडक्शन के साथ ही भारतीय नौसेना में एक नए युग की शुरुआत हुई। INS विक्रांत की एंट्री के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत दोगुनी हो गई। कोची में हुए भव्य समारोह में समंदर से आसमान तक भारतीय नौसेना की ताकत दिखाई दी। INS विक्रांत का इंडक्शन भारतीय नौसेना के उस सपने के सच होने जैसा है जो उसने बहुत पहले देखा था। भारत में बना, भारतीय तकनीक से बना भारतीय नौसेना का ये सबसे घातक अस्त्र दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है और देश को आत्मविश्वास से भरने वाला भी है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज INS विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है।
हम आपको INS विक्रांत की उस ताकत के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में गेम चेंजर कहा जा रहा है, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत कहा जा रहा है। लेकिन पहले समझिए क्यों INS विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर देश की सबसे बड़ी जरूरत है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब भारतीय नौसेना का हिस्सा है। भारतीय नौसेना के पास अब दो एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से एक INS विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया है, लेकिन दूसरा INS विक्रमादित्य शुद्ध स्वदेशी है। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने आज जब कमीशन करते हुए जो भी बातें कही, वो बातें रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल नौसेना स्ट्रैटेजिक फोर्स है जो पूरी दुनिया में अपना दखल रखती है, और आज प्रधानमंत्री की कही गई बातें उसी बात को साबित करती है। INS विक्रांत के इंडक्शन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, उसमें भारत के भविष्य की तैयारियों की आहट भी मिल रही है। इस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी सिर्फ ताइवान, जापान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। चीन अपनी नेवल पावर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। चीन के दो एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त समंदर में एक्टिव है। वहीं चीन अपने सबसे शक्तिशाली कहे जा रहे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का परीक्षण भी कर रहा है। ऐसे में INS विक्रांत चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को काउंटर करने के लिए भारत की बड़ी जरूरत है। पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब INS विक्रांत को देश को सौंप रहे थे, उस वक्त उनके पैर भले ही देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हो, लेकिन निगाहें पूरी दुनिया की रणनीतिक स्थिति पर थी। एक तरफ अमेरिका की नौसेना है जो ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जापान सी, फिलीपींस सी के साथ साथ पैसिफिक ओशन में चीन के प्रभाव को काउंटर कर रही है। लेकिन हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर भारत की मजबूती ही चीन की विस्तारवादी नीतियों को जवाब दे सकती है, और INS विक्रमादित्य के साथ INS विक्रांत इस काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएगा। INS विक्रांत का भारतीय नौसेना में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने पाकिस्तान की शिकस्त में बड़ी भूमिका निभाई थी, और ब्रिटेन से भारत को मिले इस INS विक्रांत के रिटायरमेंट के बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को उसी का नाम दिया गया। आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं। ओल्ड शिप्स नेवर डाई 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। अब INS विक्रांत से भी देश को वैसे ही पराक्रम की उम्मीदें हैं जो 1971 में भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर ने दिखाई थी। INS विक्रांत जैसे बड़े जंगी जहाज देश की सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही विश्व की महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ रहे भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में प्रदर्शन भी करते हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, कोची। तो आपने देखा कि किस तरह INS विक्रांत की समंदर में एंट्री हिंद महासागर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब हम आपको INS विक्रांत की उस ताकत के बारे में बताएंगे जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना का सबसे घातक अस्त्र बनाती है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत उसमें मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। फिलहाल INS विक्रांत में भरोसेमंद बिग 29K फाइटर जेट्स होंगे और कामोव हेलीकॉप्टर्स के बेड़े मौजूद रहेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान भी INS विक्रांत की ताकत बढ़ाने में इसके बेड़े में शामिल किए जा सकते हैं। Thank you.
आईएनएस विक्रांत के इंडक्शन के मौके पर नौसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विक्रांत के डेक से हाथ हिलाकर भारतीय नौसेना की ताकत का अभिवादन करते नजर आए। हवा में ताकत दिखा रहे नौसेना विमानों के इस बेड़े में MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, जो आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत है। किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के हथियार होते हैं उस पर ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट, चाहे वो फाइटर हो या हेलीकॉप्टर। आईएनएस विक्रांत में फिलहाल MiG-29 के तैनात किया जा रहा है, अभी वो ऑपरेट करेगा। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल पहले भी करती रही है। आईएनएस विक्रमादित्य में MiG-29 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। ये उसका नेवल वर्जन है MiG-29, बहुत ही ताकतवर एयरक्राफ्ट, बहुत ही शानदार हथियारों से लदा हुआ इस समय आप देख रहे हैं। इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हैं और एयर टू एयर मिसाइल भी, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर ये किसी ज़मीनी ठिकाने पर हमला कर सकता है, दुश्मन के इलाके को तहस नहस कर सकता है। साथ ही अगर दुश्मन का फाइटर जेट भी आ रहा हो तो उससे भी आसमान में ही मुकाबला कर सकता है। MiG-29 अभी INS विक्रमादित्य में काम कर रहे हैं, उसके बाद अब इनको INS विक्रांत से भी ऑपरेट किया जाएगा। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि सिर्फ 3 मिनट में ये MiG-29 विमान दुश्मन पर अटैक करने के लिए उड़ान भरने में सक्षम है। लेकिन आपके लिए ये समझना भी जरूरी है आखिरकार MiG-29 के INS विक्रांत से किस तरह टेक ऑफ और लैंड करें। विक्रांत पर ऑपरेट करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट स्टोबार टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। इस तरह की टेक ऑफ और लैंडिंग में टेक ऑफ के लिए रनवे के आखिर में एक स्की जंप होता है, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में उछल जाता है और वो टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन लैंडिंग करते समय फाइटर एयरक्राफ्ट लगभग पूरी रफ्तार से डेक पर आता है और डेक के आर पार लगे हुए 4 अरेस्टर वायर्स में से किसी एक में उसका अरेस्टर हुक फंसता है और फिर उसके बाद वो रुकता है। लेकिन इसमें खास बात यह होती है कि अगर चारों अरेस्टर वायर में हुक नहीं फंसा तो उसको तुरंत टेक ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्लाइंग हमेशा दूसरे जो एयर बेसिस पर फ्लाइंग की जाती है उससे ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा खतरनाक होती है। पूरी रफ्तार से आना है, हुक फंसाना है, 4 बार कोशिश करने का मौका है, अगर नहीं हुआ तो उसी रफ्तार से टेक ऑफ करना है। चलिए अब हम आपको MiG-29 के एक पायलट की जुबानी समझाते हैं आखिरकार रनवे और एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग कितनी अलग होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करना, क्योंकि ये जहाज भी चल रहा है, जहाज आपका रोल पिच भी हो रहा है, इट्स 3D। आपकी आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी जो एयरफील्ड है जहाँ पे आपको लैंड करना है वो भी आगे आगे चल रही है, तो आपको जो एक्यूरेसी चाहिए होती है एक पायलट से वो काफ़ी डिमांडिंग होती है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है एक पायलट के पास, एंड अरेस्टिंग वायर में हुक करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हमेशा जो एयरक्राफ्ट कैरियर की लैंडिंग है वो हमेशा बहुत ही प्रेसिजन और टॉप प्रायोरिटी फाइनेस्ट पायलट्स करते हैं। फिलहाल MiG-29 विक्रांत की ताकत है, लेकिन विक्रांत में तैनाती के लिए इस वक्त दुनिया के 2 घातक लड़ाकू विमानों के बीच टक्कर चल रही है। इनमें से पहला है फ्रांस का रफाल मेरिटाइम और दूसरा है अमेरिका का F-18 हॉर्नेट। विक्रांत पर ऑपरेट करने के लिए रफाल और बोइंग दोनों ही कंपनियों ने अपने ट्रायल्स किए हैं और उनके ट्रायल पूरे हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता लगेगा कि इनके लिए कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। फिलहाल MiG-29 इससे ऑपरेट करेंगे। विक्रांत में कुल 30 एयरक्राफ्ट का बेड़ा मौजूद रहेगा, जिसमें फाइटर प्लेन के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होंगे। और विक्रांत की ताकत बढ़ाने वाले हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी और विदेशी दोनों विकल्प मौजूद हैं। बगल में ही कामोव हेलीकॉप्टर है। कामोव हेलीकॉप्टर भी बहुत सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर है। भारतीय नौसेना इसका लंबे समय से इस्तेमाल करती रही है। ख़ास तौर पर अगर आप इसके रोटर्स देखें, यानी इसके जो पंखे देखें, ये ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे फोल्ड हैं। ये फोल्ड इसलिए हैं कि इनको लिफ्ट के ज़रिए नीचे हैंगर में रखा जाता है, और चूँकि हैंगर में जगह कम होती है वहाँ इसके जो पंखे हैं रोटर्स हैं उनको फोल्ड कर लिया जाता है और उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है। चलिए अब हम आपको विक्रांत के कुछ और खूबियों के बारे में बताते हैं। विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। विक्रांत 40,000 टन से ज्यादा वजनी है,
30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल सकता है और इस रफ्तार को पहुंचाने के लिए 30,000 हॉर्स पावर के 4 इंजन लगे हुए हैं, यानी हर इंजन 30,000 हॉर्स पावर का। कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा आप किसी बाइक या कार के इंजन के हॉर्स पावर से लगा सकते हैं। विक्रांत एक बार में 24 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इतनी बिजली किसी छोटे शहर को रोशन करने के लिए पर्याप्त है। विक्रांत की किचन्स में दिन में 3 बार 1500 सेलर्स और ऑफिसर्स के लिए खाना, नाश्ता और स्नैक्स तैयार हो सकते हैं। यह है विक्रांत की क्षमता और यह है विक्रांत का आकार। आईएनएस विक्रांत में अस्पताल भी है और सेलर्स के लिए किचन भी, और इस आधुनिक किचन में मौजूद कुक भारतीय और विदेशी दोनों तरह के भोजन तैयार करने में माहिर है। आईएनएस विक्रांत का ध्येय वाक्य है जयम सम युद्ध स्पर्धा, यानी जो मुझसे युद्ध करने आएगा मैं उसको परास्त करूंगा, और दुश्मनों को परास्त करने में विक्रांत में मौजूद ये एयरक्राफ्ट सबसे बड़े हथियार बनेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कोच्चि। तो आपने देखा कैसे आईएनएस विक्रांत की कमिशनिंग से भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह भारतीय नौसेना ने आज गुलामी के निशान को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तो मिला ही, साथ ही मिला नया निशान भी, नया ध्वज भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए निशान का अनावरण किया। भारतीय नौसेना का नया ध्वज स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के डेक पर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नौसेना के नए ध्वज को सलामी दे रहे हैं। नौसेना का नया निशान, नया ध्वज पूरी शान के साथ आईएनएस विक्रांत पर लहराया, और इसी के साथ भारतीय नौसेना के एक नए युग की शुरुआत हुई जिसमें गुलामी के दौर का कोई निशान मौजूद नहीं। भारत ने आज गुलामी का एक और चिन्ह मिटा दिया। ये बंधन था नौसेना के ध्वज का। दरअसल भारतीय नौसेना जिस ध्वज का इस्तेमाल कर रही थी वो अंग्रेजों की विरासत था। अंग्रेजी नौसेना अपने ध्वज यानी निशान इंसाइन में सेंट जॉर्ज क्रॉस का इस्तेमाल करती थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो फर्क सिर्फ ये हुआ कि उस फ्लैग में, उस ध्वज में यूनियन जैक की जगह तिरंगा आ गया, लेकिन सेंट जॉर्ज क्रॉस बना रहा। बाद में इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई, लेकिन 2004 में दोबारा सेंट जॉर्ज क्रॉस आ गया, और उसके बाद 2014 में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और किया गया और उसमें हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिख दिया गया। लेकिन अब सेंट जॉर्ज क्रॉस पूरी तौर पर गायब हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस सपने को साकार किया। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार इस नए ध्वज में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इस ध्वज का शिवाजी महाराज से क्या कनेक्शन है। नौसेना के ध्वज से नौसेना का नया ध्वज पहली बार आईएनएस विक्रांत के डेक पर फहराया गया। इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर सबसे ऊपर कोने में तिरंगा है और उसके आगे भारतीय नौसेना का चिन्ह जिसमें लंगर के ऊपर अशोक का राज चिन्ह है, 3 शेरों की जो प्रतिमा है, और उसके नीचे शम नो वरुणा लिखा गया है, यानी कि समुद्र के देवता वरुण हमारा कल्याण करें। ये भारतीय नौसेना का मोटो है, ध्येय वाक्य है। शिवाजी महाराज के वक्त भारत समंदर की बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेजों का राज आया तो धीरे धीरे उन्होंने भारत की इस ताकत को नष्ट करने की साजिश रची। ऐसे में भारतीय नौसेना के नए ध्वज में शिवाजी महाराज के निशान मौजूद है। नए ध्वज के नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए ध्वज को शिवाजी महाराज को ही समर्पित किया। फिलहाल भारत की नौसेना को नया ध्वज मिल गया है और भारतीय नौसेना की ताकत कभी इस ध्वज को झुकने नहीं देगी।
कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कोच्चि।